global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service. Yes, I'm here. Hi, yes. Thank you, sir. Thank you. पलक से मैं सबसे ज्यादा क्लोज हूँ, मैं सबसे ज्यादा करीब है. और इस सॉन्ग की लिरिक्स मैंने, मेरे साथ पलक दीदी ने भी लिखे. एंड मेरा कोई सा भी सॉन्ग बनता है जो फर्स्ट स्क्रैच होता है वो मैं पलक को सुनाता हूँ. वो मुझे पलक दीदी बताती है कि यू नो और कैसे लिरिक्स हो सकते हैं. सो ऑफकोर्स उसको बहुत अच्छा लगा, उसने वीडियो देखा. टूडे शी इज नॉट विद अस, शी इज शूटिंग समवेयर. सो बट हाँ, उसका बहुत, उसको बहुत अच्छा लगा, उसको एक्टिंग, स्टोरी एंड डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा. प्लस कंपटीशन भी काफी ज्यादा है कि आप देख रहे हैं कि काफी सारे म्यूजिक वीडियोस आते हैं. कुछ तो काफी ज्यादा मतलब सक्सेसफुल होते हैं, कुछ उतने रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं. तो लीक से हटकर कुछ करने के लिए क्या करना होता है? आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क. कंपटीशन तो अच्छी बात है, होना चाहिए. जब भी आपको मजा आता है और आपके अगर काम पे आपको भरोसा है तो फिर आसपास और तो आप देख सकते हो, उनसे और ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो. एंड ये म्यूजिक वीडियो में डिफरेंस ये है, इट्स मोर लाइक अ शॉर्ट फिल्म. डायलॉग्स है, फिर म्यूजिक है, फिर डायलॉग्स है. तो म्यूजिक वीडियो से ज़्यादा ये शॉर्ट फिल्म की तरह है. एंड वहीं पे आपको गाना भी सुनने को मिलता है. और जैसे कि इसने कहा कि ये अपने काम के ऊपर भरोसा कर रहा है, कौन इंसान आपको ऐसा? हम लोग का जो वीडियो है, म्यूजिक वीडियो निशा, स्टारिंग पार्थ समथान एंड चार्ली चौहान, ये गाया यासिर देसाई ने. एंड कुछ इंस्पायर नहीं हुआ ये कहीं से, जस्ट कि बहुत, एक्चुअली एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगह से इंस्पिरेशन ये आई है. एंड बहुत सारे लोग हैं जो ये स्टोरी से जुड़ते हैं. एंड बस बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मेहनत दी है, प्यार दिया है इस वीडियो को. होप आप सभी को पसंद आएगा. आप दोनों से जानना चाहूंगा कि जो वीडियो में आप लोगों की केमिस्ट्री दिखाई दी गई है, मतलब काफ़ी रियल लग रही है, कहाँ से वो केमिस्ट्री को मतलब डेवलप किया आपने? कहाँ से? रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है रियल लाइफ में आप दोनों को? एक्चुअली ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी में नहीं बल्कि हर इंसान की ज़िंदगी में ये पड़ाव तो आता ही है. अगर आप प्यार में पढ़ते हो, अगर आप रिलेशनशिप में पढ़ते हो, क्योंकि रिलेशनशिप निभाना आसान नहीं होता. स्टार्टिंग शुरुआत में 6 महीना 1 साल अच्छा लगता है, वो लवी डवी प्यार वो सब. लेकिन उसके आगे जब आप रिलेशनशिप आगे जब दिक्कतें आती हैं आपके ज़िंदगी में, चीज़ें आती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो आप उसको कैसे फेस करके आप अपने पार्टनर के साथ कैसे देते हो वो मैटर करता है. ना कि उसका साथ छोड़ दो, ना कि रिलेशनशिप को एंड कर दो, वो करना बहुत आसान है, लेकिन आप उसको कैसे निभाते हो वो आपकी स्ट्रेंथ को मैटर करता है, वो आपका टेस्ट है. तो वही हमने इस वीडियो के दौरान हमने कोशिश की कि हम आपको उस जरिए दिखाएं. कुछ हम भी सीखे हैं, कुछ हम कोशिश, हम आशा करते हैं कि आप लोग भी कुछ सीखे इससे. तो म्यूजिक वीडियो का जो दौर है आज से फिर रिवाइव हो रहा है, 90s में जिस तरह से था, और म्यूजिक वीडियो में काफी सारे जो अब आज के जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो काम कर चुके हैं, तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है म्यूजिक वीडियोस में रिकॉग्नाइज होना? जो भी आपका वीडियो है आपको कितना हेल्प आउट करेगा फ्यूचर में, करियर में? ऐसे तो हम पर्सनली ऐसा कुछ देखते नहीं है कि अच्छा ये हमारे लिए एक पुश ऑन होगा या हमारे लिए एक स्टेप होगा कि चलो इससे कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि अच्छे गाने होते हैं, अच्छे हमारे स्टोरीज होते हैं, कुछ कहानियाँ होते हैं जो हमें, और गाने, म्यूज़िक बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे बॉलीवुड का. इनफैक्ट मूवीज़ में अगर गाने ना हो तो मूवी बहुत अधूरी सी हो जाती है. तो हर समय हमें लगता है कि काश हम कुछ गाने के दौरान हम कुछ कहानी बता सकें, तो हमने वही कोशिश की है. इसी गाने के दौरान हम एक कहानी बता सकें, ना कि सिर्फ एक गाना दिखाए. तो आपको गाना भी पसंद आएगा, आपको कहानी भी पसंद आएगी. प्यार बहुत सारा है क्योंकि वैलेंटाइंस है, तो यस. आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपका ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ या जब आपको लगा कि आप ये डायरेक्ट करेंगे तो आप ये और IMTV पर शो भी कर रहे हैं आप, तो आने वाले समय में क्या हम बड़े पर्दे पर भी देख पाएंगे? हाँ, होपफुली इंशाल्लाह मई में देख पाएंगे. तो तैयार हो रही है शूटिंग, सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, तो इंशाल्लाह. अभी सब मेरे हाथ में तो नहीं, एज एन एक्टर मैं तो यही कह सकता हूँ कि आई होप कि इस साल आ जाए, जो कि सबकी कोशिश है, तो आ ही जाएगी. चार्ली, व्हाट अबाउट यू, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? एक्चुअली नॉट रियली, बिकॉज सबको पता ही होगा कि मैं टीवी नहीं कर रही हूँ. तो बाकी जो होगा आई कीप यू गाइस अपडेटेड. टीवी से या आई एम नॉट डूइंग टीवी एनीमोर. तो बड़े पर्दे पर देखने वाले प्लान्स है, लेट्स सी. पलाश, आप क्या कहना चाहेंगे, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने बताया, नेक्स्ट इज अभिषेक मूवी, अभिषेक बच्चन मूवी रग्बी, जो डायना और अभिषेक के साथ में.
एंड फिर उसके बाद अजय कपूर सर की मूवी आ रही है, अजय देवगन एंड जॉन अब्राहम. सो टोटल 19 मूवीज है, लेकिन ये दो अभी आ जाएगी, तो इस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ. एंड पूरा म्यूजिक मेरा है BGM के साथ, सो आई एम रियली वर्किंग हार्ड ऑन इट. इन दिनों जो है अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर अलग अलग सॉन्ग के लिए यूज किए जाते, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आपको? ये मेरी पहली मूवी, ये मेरी पहली मूवी होगी जिसमें मेरे सारे गाने होंगे. इसके पहले मैंने भूतनाथ में पार्टी तो बनती है, एक एक करके गाने दिए, मुसाफिर या तू ही आशिकी हो. लेकिन मुझे अभी रियलाइज हुआ कि यू नो व्हेन यू हैव अ फुल फिल्म, एक पूरी फिल्म होती है, तो आप ज्यादा जुड़ जाते हो मूवी से. एंड बी बैकग्राउंड म्यूजिक भी साथ में करते हो, यू नो एक मैं सेट पे जा रहा हूँ फिल्म में, फिल्म के, तो आप ज्यादा जुड़ जाते हो म्यूजिक से और ज्यादा कंपोज कर पाते हो, एक फिल्म में जाते हो. सो आई थिंक ये यही होना चाहिए. लेकिन है, अगर ट्रेंड है तो उसके ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, जैसा जमाना है वैसा बन जाओ. एज अ सिंगर कौन आपको सबसे ज्यादा, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर कौन सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है आपको? आतिफ असलम, क्योंकि मेरा रिसेंट जो बड़ा गाना हुआ मुसाफिर, उसने गाया, उन्होंने गाया है. एंड उसके बाद अरिजीत सिंह ऑफ कोर्स. ओके, और ये गाने की अगर दो लाइनें आप सिंगर इज नॉट विद अस बट आई विल सिंग, आप भी साथ में ज्वाइन कर सकते हो जी, कोशिश करेंगे, कोशिश. ओके, तेरे बिन क्या था अब क्या बन गया, थामा तूने जो मैं इंसान बन गया, निशा बाकी है जो इस दिल पे कैसे मिटाऊं, संग तेरे जो गुजारे वो पल कैसे मिटाऊं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच.